नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज और इस समय मौजूद हैं कुतियाना जो माइनर है वहां पर हम मौजूद हैं और वहां की जो इस समय की बात करें तो यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से आज 7वां दिन है जो किसान हैं, जो 2 किसान हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं पानी की मांग को लेकर, और 6 दिनों से ये जो धरना है वो चल रहा है और उसके बावजूद भी इस गांव के लिए कितना पानी पहुँच रहा है वो आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। जैसे कि गाँव ने ऐलान कर दिया है कि इस गाँव में अब राजनीति नहीं चलेगी, हमें पानी चाहिए, तेलों पर पानी है वो पूरा पहुंचना चाहिए, इस गांव में राजनीति नहीं चलेगी। अब 2024 में आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हर राजनीतिक पार्टी का जो है वो बहिष्कार होगा। अब गांव में कितना पानी आता है ये तो समय बिताएगा, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं कि गांव एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। नाम है जी आपका? मेरा नाम डुंगरमला जी। भैया जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? 6 दिन हो गए अभी तक, आज भी वार्तालाप सफल नहीं हुई है तो पानी भी बैठे हैं जी, वो पानी आने को लग रही हो करे के तो जमींदार की बुरी हालात कर रखी है। अरे वो पाछा वो मोड़ मोटो थोड़ो आ जा तो आयो तो आको किन की न्याय करे को नहीं हो पानी बस वो जगह बंदो जर आ देखो ते पगियां हुई हैं दिखाओ जो देख लियो वो कोई पानी थोड़ी है जिला कने रो। सालों से ये समस्या आप हो गया होगा जी, कम से कम 10-15 साल दो। 10-15? हाँ 15 साल है। वोट वोट ले जी यार, चल भाई अठाऊ सारा क्यों चेक चाहिए अठाऊ सारा सारा ओ मरा कसी तो हुआ वो बता दिया होगा भाई, इतना पानी आवा बैठे कागता बना के चल भाई, कोई पानी जम्मा ही परेशान है जी, पीने और पानी को नहीं आने ला रहे हो, कभी ट्यूबवेल पियाँ कभी कठों ले लिया पियाँ, हाँ पानी बाकी पानी को नहीं आओ मरा। हाँ आज ही देख लियो जी, पानी है कोई है वो ट्रैक्टर मैंने चक्कर की लगाना पड़ा वो बरमाऊ मन पानी को नहीं आइए। वो तो जी पता नहीं अब क्यों किया जाता है, लेकिन पीछे पाकिस्तान तक पानी पहुंच गया, यहाँ जमाल तक पानी नहीं है। तो हमारे पीछे वो कुताना माइनर की आपने कवरेज की थी और ये मंगाला खरीफ चैनल जो टू हेड से आता है जी, और 2 हेड से 90 किलोमीटर पाकिस्तान पानी चला जाता है लेकिन 17 किलोमीटर जमाल में पानी नहीं आ रहा। तो इसका आज डीसी साहब भी आए थे, डीसी साहब कह रहे हैं इसकी खुदवाई करवा देंगे, खुदवाई करवा देंगे, एक मशीन आई हुई है 10 दिन बाद हम मशीन आपको और दे देंगे, तो 10 दिन बाद हमारी ये अब की बार फसलें हैं ये तो बर्बाद हो जाएगी, हो ही गई है लगभग, फिर बाद में हमें फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो हम प्रशासन से और सभी से तंग आ चुके हैं जी, हमारे 2 किसान साथी जो टंकी पे चढ़े हुए हैं फिर भी अभी तक पानी नहीं आ रहा है तो कब आएगा। आज अनशन पर भी बैठने की बात करी जा रही है कि जो गांव के बुजुर्ग हैं वो अनशन पर बैठेंगे, आप कितना सही मानते हैं इस फैसले को? अगर नारायण खेड़ा की बात करें तो पूरे 13 दिन है सरपंच एसोसिएशन किसान भूख हड़ताल पर रहे। देखो जी वो बात है, मरता क्या नहीं करता, हम तो मरे पड़े हैं जी, क्या पता अनशन पर बैठने से कोई प्रशासन हमारी सुनवाई कर ले या कोई नेता हमारी सुनवाई कर ले, कुछ भी हो जाए हम तो उसी हिसाब से वोट लेने के लिए सब आते हैं, बड़े बड़े वायदे होते हैं। 2024 के जो चुनाव हैं वो नज़दीक हैं, क्या मांग है, क्या लगता है कि जो आपके पहले के विधायक हैं जो 4 बार विधायक रह चुके हैं वो अब इस मांग को पूरा करेंगे? देखो जी वादा तो हर बार करते हैं, पूरा होने का तो जब तक पूरा नहीं होगा तब कह नहीं सकते कब होगा, हमें पानी चाहिए, पानी जब हमारे पानी आ जाएगा तब हम धरना उठाएंगे, पहले धरना भी नहीं उठा।